Hey, don't.
दोनों शेर मेरे साथ में खड़े होकर गाएंगे तो मैं बहुत ही अपने आप को गर्वशाली मानूंगी। एक बार शाम की पहली बार प्रकाश जी हमारे लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए मैंने राखी बांधी और राखी का फर्ज आप लोगों को निभाना है, इसलिए दोनों आ जाइए। मजी सभे बारे मिठाई चढ़े चूरी
आपको पता है ये जो कार्यक्रम जसोल की धरती पर पिछले 13-14 वर्षों से यानी एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग प्रारंभ होने जा रहा है। और एक युग में ये जो कार्यक्रम का जो स्तर है वो राज्य स्तरीय नहीं, आज ये कार्यक्रम लगभग राष्ट्रीय स्तर तक का होने जा रहा है। क्योंकि मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, ये इतने बड़ा जो कार्यक्रम है ये बहुत कम अमुक जगहों पे आयोजित होता है। तो ये सच्चा दरबार है, हजारों लोग यहाँ पर अपनी मन की इच्छाएं, अपनी मन की मुरादें बताते हैं, और जिनके जो सच्चे मन से आप मांग के देख लेना, सच्चे मन से मांग लेना, माँ आपकी मुरादे, आपके मन की इच्छाएं, मन के जितनी भी आपके जितनी भी इच्छाएं होगी वो सब मातेश्वरी पूर्ण करेगी ही है। इसलिए हजारों लाखों लोग वर्ष पर्यंत इस दरबार में आते हैं और चरणों में धोख लगाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति है, स्वयं के शरीर को तपाता हुआ राजधानी दिल्ली से एक युवा कलाकार भाई राम प्रकाश आप सभी लोगों के बीच में इस जगती हुई ज्वाला के बीच में अपने नृत्य की प्रस्तुति कर रहा है। चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग, धन्यवाद। भवानी तू सुनो।
हरे भगत रे, हरे भगत रे, हरे भगत रे, मिली बेगी आवो पधारो मारी झूठवाला। हरे भगत रे, मिली बेगी आवो पधारो मारी माजी सा। पधारो भाभी माजी सा, पधारो भाभी माजी सा, पधारो भाभी माजी सा, पधारो भाभी माजी सा, ये पधारो भाभी माजी सा। ओ हो ओ हो ओ अरे जसोलरी धरती में धारो देव लो रीमा जी सामारी मा, ओ ओ जसोलरी धरती में थानो बे हे तारा टावरिया उड़ी के तारी बाजो पधारो मारी माजी
थारा टावरिया थारा बालूड़ा जो बे तारी बात वो तुम्हारी माँ जी थारा टावरिया थारा टावरिया जो बे तारी बात वो बता तुम्हारी जो तुम्हारा हो जी
अरे जसोलरी धरती में धारो देव लो रीमा जी सामारी माँ ओ ओ जसोलरी धरती में धारो बे रे भटियाणी मारी मां हे तारा टावरिया उड़ी के थारी बात वो अधनु मारी माजी बालूड़ा जो सारी बात गो हनुमारी माँ जी हरा टाबरिया हरा टाबरिया जो सारी बात गो हनुमारी जो
अरे घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो राम देव जी दाता ये घोड़ी करे रे जीरा आका जी दाता जान चढ़ो राम देव जी दाता अरे घोड़ी करे जी आबाई धाबा जान चढ़ो केशरी घोड़ी करे आ तो आबाजी दाबा जान सडो राम देव जी रा बाबा तेल चढ़ी ने तल जो वे बाता तेल चढ़ी ने तल जो वे जी बाता जान सडो राम देव जी रा बाबा अरे तेल चढ़ी रे नाजू जो वे बाता तेल चढ़ियो नेतल जो वे बातो धन चढ़ो राम देव जी रा छोटा तालियां बजाए घोड़ी करे जी हाथाई दाता धन चढ़ो राम देव जी बना समारो केसरियो हजारी जारी खुली रो खुली बना उबाओ मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारो के सदियो हजारी खुली रो रे फूली हजारी रे खुली रो रे फूली चंपारी हंजारी गुलेरो फूले हंजारी गुलेरो फूले सब पेड़ी रे
मंत्रावे ये फुचरे बांदी मंत्रावे ये फुचरे बांदी अमर जी ने निजरा लागे ये पीरा मारा अड़के धड़के चौवटी मती जाई सावटी ये मती जाई ये चोरा सादी निजरा ये पीरा मारा जड़ी के अरे बागों में मती जादे बागों में मती जादे इंद्रा मालरी नजीरा लादे ये पीरा मारा अड़के भड़के चौबड़ी ना मती जाई सबरिया में मती जा सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ देला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ देला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ देला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला रामदेव जी महाराज री दो महीना थी मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़ियार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़ियारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगना भाई ने 12 साल तक सुगना भाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगना भाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता था का आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोलिए बीरा मारा रामदेव सुगना दी विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ों में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगना भाई उदास उठीने मां उदास तो माँ जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि माँ चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्न राय को वह मरियल सी सांड ली जब पोंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो
पोंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को थो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता, पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों को कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगना भाई पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है। थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम का ही है। रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो। बोले कि रामदेव रासो, मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे, रोला खेतड़ी रे माई जियो, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला, रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो, खम्मा 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 रे तो